नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ महीने पहले मैंने क्रोटन की एक कटिंग लगाई थी, दो तीन कटिंग लगाई थी, उनमें से आपको मैं दो दिखा रही हूँ जिनकी हालत बहुत ही अच्छी है। और ये मेन प्लांट ये है मेरा, ये मैंने शायद 50-60 रुपये का ख़रीदा था और इसकी कई ब्रांचेस थी जो मैंने कट करके नए नए प्लांट्स तैयार किए हैं। और इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है और शायद ये लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाते हैं, तो मैंने एक लीफ भी लगा के रखी है अभी। वैसे तो ये हेल्दी है, दिख रही है, पर रूट्स बनी है कि नहीं बनी है ये नहीं मालूम है, ये तो बाद में पता चलेगा जब उसकी और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। देखिए, मैंने ये कटिंग निकाली है और इसके रूट्स कितनी अच्छे से निकल गई हैं। और जब भी कोई भी कटिंग लगाएं तो आप 50% गार्डन सॉइल और 50% ही रेत में लगाएं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि लाइट टू वेट ये मीडिया होता है तो रूट्स को डेवलप होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक एक इसकी लीफ भी लगा रखी है, अब ये आगे पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि अभी सिंगल ही लीफ दिख रही है। और चलिए, आज इसको बड़ा गमला देना था कि इसकी और भी अच्छे से डेवलपमेंट हो, तो मैंने ये रेशियो वही रखा हुआ है, पर इसमें कंपोस्ट की मात्रा अब ज़्यादा रख दी है। ये मेरी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला के मैंने तैयार करके रखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें DAP है और साफ का फंजीसाइड भी मिला रखा है, जिससे कि कोई फंगस इसमें अटैक ना कर सके। तो वैसे मुझे इस पॉट में दोनों ही लगाने थे, दोनों ही प्लांट लगाने थे कि वो खूब घना घना सा मुझे दिखाई दे, पर लगता नहीं है, क्योंकि जो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, रूट्स भी बहुत अच्छे से निकल आई हैं, तो दोनों प्लांट एक ही गमले में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि देखिए, ये कितना अच्छे से इसकी रूट्स बढ़ गई हैं, मिट्टी अब थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, बाकी पूरा रूट्स ही भरता जा रहा है। और इसकी ये कटिंग लगाए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि बड़ा गमला था तो सोचा कि इसी में कटिंग लगा दे रहे हैं, उसी में भरता जाएगा, पर अब इससे भी बड़े गमले की ज़रूरत है और जिसमें कि खाद भी अच्छे से दे देंगे तो ये प्लांट और बढ़ेगा। तो फिर देखिए, मैंने इसको और सारी रूट्स इसके ऊपर को बढ़ती जा रही, जब गमले में मिट्टी मतलब रूट्स बढ़ती हैं तो मिट्टी कम होती जाती है, तो इसको भी अब मुझे बड़ा पॉट देना है। और रूट्स इतने अच्छे से हो रही है और ऊपर का प्लांट भी बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहा है, तो अब ये छोटा वाला प्लांट मैं जिस इससे निकाला है उसमें शिफ्ट कर दूँगी, और ये जो नया प्लांट है, बड़ा प्लांट है, वह इस कमरे में इसको शिफ्ट कर दूँगी, रख दूँगी। तो इसकी रूट्स अभी कुछ भी ख़राब नहीं किया है, कुछ भी काटी नहीं है, जैसा है एज इट इज़ ही रख दिया है, और चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे और कंपोस्ट इसमें ऊपर, पहले तो एक नीचे ही लेयर बिछा दी है कंपोस्ट की, उसमें इस प्लांट को रख देंगे और फिर ऊपर से भर देंगे। तो और 2 इंच का गैप जरूर रखना चाहिए गमले में, कि जिससे कि पानी डाले तो वो उसमें ठहरे थोड़ा सा पानी, कि नीचे तक जा सके। ऊपर तक मिट्टी भरेंगे तो फिर पानी बाहर गिरेगा और जितनी कंपोस्ट है और मिट्टी है वो भी बाहर निकलेगी, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब इसमें ये बहुत अच्छे से चल जाएगा, ऊपर से अच्छे से कंपोस्ट भी डाल देंगे। तो इसी तरह से क्रोटन की सारी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती। मैंने मेरे 2-3 प्लांट और हैं अलग अलग वैरायटी की, उसकी भी कटिंग लगाई है, और सबसे बेस्ट टाइम होता है इस समय फरवरी मार्च में या फिर बारिश के टाइम पे। ये मेरा बारिश के टाइम की ही लगी हुई कटिंग है जो मैं अब इनको अलग कर रही हूँ। तो आप भी बहुत आसानी से क्रोटन की कटिंग को लगा के एक से अनेक पौधे बना सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट भी बहुत महंगा आता है। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।